जब आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और वो आपको एडवाइस करती हैं डेंटल डॉक्टर के पास जाने को, तो आप क्या क्या बातें बताएंगी? आप ये बताएंगी कि आप गर्भवती हैं, आप कितने महीने की प्रेगनेंसी, कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी में हैं, आपको प्रेगनेंसी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, जैसे कि मिसकैरेज की हिस्ट्री तो नहीं थी, मिसकैरेज के कोई लक्षण, थ्रेटन्ड मिसकैरेज के, अबॉर्शन के लक्षण आपके प्रेगनेंसी में फिलहाल तो नहीं आए, और साथ में कोई और बीमारी जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी तो नहीं चल रही, उसकी कोई दवाइयां तो नहीं ले रही, आपको कोई डायबिटीज पहले से तो नहीं है या प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं हुई है, अगर आपको कोई दमे की तकलीफ है तो भी बताएं। अगर आपको डायबिटीज की तकलीफ है तो आपके डेंटिस्ट यकीनन आपसे 3 मंथ की शुगर कंट्रोल का HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाएंगे और उनको जरूरत होगी तो वो अगले दिन फास्टिंग ग्लूकोज भी कराएंगे। वो उसके पैरामीटर्स को मद्देनजर रख के, और आपका अगर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, कहने का मतलब है शुगर कंट्रोल बढ़िया होगा, तभी वो आपकी आमतौर पर कोई प्रोसीजर में इंटरवीन करेंगे। और कई औरतों को प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए ब्लड थिनर जैसे एस्पिरिन, लोप्रिन भी दिया जाता है। आप समझते ही हैं कि अगर कोई ब्लड थिनर पे होता है और अगर हम उसका कोई डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं, खासकर रूट कैनाल वगैरह, तो ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें डेंटल सर्जन को गायनोकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क करना चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। यदि वो दवा रोकने की जरूरत है तो उसको करीब 5 दिन या 1 हफ्ते पहले रोका जा सकता है, डेंटल ट्रीटमेंट करने के 5-6 दिन बाद वापस रिस्टार्ट करा जा सकता है। ये सब चीजें जिसको हम बोलते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी लाइजन, यानी आपस में हर एक स्पेशलिटी के लोग बातचीत करते हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई एंटीबायोटिक खाने की आवश्यकता है तो पहले 3 महीने में तो कायदे से हो सके तो 18 से 60 दिन में कोई एंटीबायोटिक खाएं ही ना, पर अगर उस इलाज में एंटीबायोटिक खाने की जरूरत है तो एंटीबायोटिक्स भी बेबी फ्रेंडली हैं कि नॉन बेबी फ्रेंडली हैं ये देखना पड़ता है। तो उसमें वो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो बेबी फ्रेंडली हैं और उसमें भी रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से दी जाती हैं।